इरशाद हुआ कि हर इंसान दुनिया में कामयाबी चाहता है, मोमिन हो, मुनाफिक हो, काफर हो, हर इंसान चाहता है कि मुझे दुनिया में सक्सेस मिले, कामयाबी मिले, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी कामयाबी की तकोदो में गुजार देता है। छोटा सा बच्चा हो, जवान हो, चाहते कामयाब हो जाऊं, लेकिन कामयाबी क्या है ये इसे कौन बताएगा कि कामयाबी क्या है? तो क्या जो बताने वाला है क्या वो इसकी अक्ल है या हवाए नफ्स है? मन इत्तखज़ा इलाहु हवा, कुरान कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना अल्लाह अपनी हवाए नफ्स को बताया है कि तुम्हारे वजूद में जो हरकत पैदा होती है उसका मोटिव कौन है। उर्दू में कहते हैं या फारसी में या अरबिक में, तुम्हारा मुहर्रिक कौन है जो तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन को पैदा कर रहा है? कि मैंने मिसाल दी कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो मुहर्रिक होते हैं। आपको एक चीज़ इतनी दिखाई जाती है, इतनी दिखाई जाती है, लिहाजा आप उस चीज़ को ख़रीदने जाते हो। एक शॉप पे आप जाते हो, चार तरह के चिप्स पड़े होते हैं, लेकिन आपका हाथ एक की तरफ बढ़ता है। उसकी वजह है क्योंकि आपके सब कॉन्शियस में वो चीज़ डाली गई है, इतना आपको दिखाया गया है, आप उस चीज़ की तरफ जाते हो। तो अगर मेरा मोटिव मेरा नफ्स है तो मैं गलत रास्तों पे चलूँगा और मेरे साथ वही होगा जो करबला में इब्ने साद और शिमर और तारिक के जितने नाकाम लोग हैं उनके साथ हुआ। ये नहीं कि यजीद ने चाहा था कि यजीद नाकाम बने, ये नहीं कि शिमर ने चाहा था कि शिमर नाकाम बने, ये नहीं कि इब्ने साद ने चाहा था इब्ने साद नाकाम बने। वो कामयाबी की तरफ जा रहा था, लेकिन वो कामयाबी जो उसकी निगाह में कामयाबी थी, हुसैन इब्ने अली की निगाह में वो चीज़ कामयाबी नहीं थी। तो अगर मैं अपनी फिक्र को दुरुस्त करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे अहदाफ भी बदल जाएंगे, मेरी ज़िंदगी का गोल भी बदल जाएगा। कि मैंने कहा हम उस दुनिया में रह रहे हैं कि जिस दुनिया ने फेक चीज़ों को हकीकत दी है और हकाइक को उसने फेक बना दिया है। कि मिसाल के तौर पे क्रिकेट का मैच होता है तो मैंने कहा पूरे बाजार रोड बंद हो जाते हैं, एक झूठा ड्रामा टीवी पर चलता है तो रोडों पे सन्नाटा आ जाता है। आज इसकी लास्ट एपिसोड है कि देखा जाए कि ड्रामे में क्या होता है। लेकिन अगर यही इंसान अपनी अक्ल से सोचे अच्छा मैंने देख लिया तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी दुनिया का फ़ायदा है नहीं, मेरी आखिरत का फ़ायदा है नहीं, मेरे दीन बनेगा नहीं, तो इससे मुझे मिलेगा क्या? तो आपने देखा अगर गलत फिक्र इंसान के वजूद में बन जाए तो उसकी दुनिया भी तबाह हो जाती है, उसकी आखिरत भी तबाह हो जाती है।